लगता है और कैसे कैसे आप लोग उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो नॉर्मली सिंपली आज उसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुधीर कुमार बोस और आप लोग देख रहे हैं चैनल प्रगति मैन्युफैक्चरर इंडिया। तो दोस्तों तो सबसे पहले आप लोगों को क्या जानकारी चाहिए कि जानना ये जरूरी है कि आप लोग कैसे उसको उसका रॉ मेटेरियल्स। तो दोस्तों आज आप लोगों को लिख के समझाएंगे कि दोस्तों रॉ मेटेरियल्स क्या क्या होता है, वो जो कलर अगरबत्ती जो कलर इंसेंस स्टिक्स उसका जो फॉर्मूला है वो मैं आप लोगों को पहले रॉ मेटेरियल को दिखा देते हैं, उसके बाद आप लोगों को पूरा डिटेल डेमोस्ट्रेशन देते हैं। तो दोस्तों इधर देखिए, नंबर वन में रॉ मेटेरियल्स तो दोस्तों रॉ मेन मेटेरियल्स में आप लोगों को मेटेरियल बहुत ही जानकारी जरूरी है, जानना जरूरी है कि क्या क्या आप लोगों को चाहिए। तो दोस्तों नंबर वन में जो आप लोग काला वाला प्रोडक्शन करते हैं 8 इंच या 9 इंच का बत्ती, जो पूजा अगरबत्ती काला अगरबत्ती मतलब ब्लैक प्रीमिक्स अगरबत्ती, तो ये इसमें आप लोगों को क्या चाहिए, इसमें आपको व्हाइट प्रीमिक्स पाउडर चाहिए। तो सबसे पहले व्हाइट, क्योंकि व्हाइट अगर कलर आपको लाना है तो आपको व्हाइट के ऊपर कलर करके कलर लाना है कि आप लोग कौन सा कलर में करना चाहते हैं, तो आपको बेस व्हाइट रखना चाहिए। तो इसलिए व्हाइट प्रीमिक्स का यूज सबसे जरूरी है, तो व्हाइट प्रीमिक्स को पहले लेना है। व्हाइट प्रीमिक्स पाउडर तो व्हाइट प्रीमिक्स पाउडर ये सबसे जरूरी चीज है, ये है बेस। इसके ऊपर आप लोग कलर को ऐड करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये नॉर्मल है। नॉर्मली इसमें आपका फॉर्मूला में व्हाइट प्रीमिक्स नंबर टू आपका क्या लगेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट को आपको यूज करना है ताकि ये सफेद बत्ती है, ये कलर बत्ती है, या कोई भी कलर इसमें डाल के आप लोग जब बनाएंगे तो सफेद पाउडर का एक तो टेंडेंसी आता है कि वो जल्दी जल्दी बुझ जाता है, ठीक है। तो वो जब जल्दी जल्दी नहीं बुझे इसलिए आप लोगों को पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना है ताकि वो बत्ती को इक्वली जलाए और उसको बर्निंग का अगर इसका बर्निंग का कुछ इश्यू ना आने दे, तो इसलिए आप लोगों को पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना होगा। तो इसका मैं पूरा पहले रॉ मेटेरियल्स लिख देता हूं, उसके बाद आप लोगों को वीडियो में फॉर्मूला साइड में डिटेलिंग करेंगे कि कौन सा मटेरियल कितना अनुपात में जाता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का आप लोगों को इस्तेमाल करना होगा कलर अगरबत्ती के लिए, ठीक है। तो नंबर थ्री में आपका आएगा कलर। आप कोई भी ले सकते हैं, रेड ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं। वो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मच्छर बत्ती में ऑरेंज कलर क्यों होता है, तो वो लोग ऑरेंज कलर को डालते हैं, नॉर्मल बेसिकली और कुछ नहीं है। तो आप लोग भी अगर मच्छर बत्ती भी करना चाहते हैं तो मच्छर बत्ती का भी फॉर्मूला यही सेम टू सेम ही है, तो आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो सिर्फ स्टिक जो बंबू स्टिक है वो आपको 8 इंच के जगह लेना पड़ेगा 12 इंच या 14 इंच। बस बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया मच्छर बत्ती के में कलर वैसे आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है कि वो कलर बत्ती जलता है। तो सिंपली मच्छर के लिए भी यही सेम फॉर्मुलेशन है, तो सिर्फ बत्ती बंबू स्टिक को आपको 12 या 14 लेना है, बाकी का आपका सब टू सेम ही रहता है। इधर आप लोग देख सकते हैं कलर में दोस्तों मैंने रेड ब्लू ग्रीन ऑरेंज ये सब लिया है, और भी बहुत सारे कलर मार्केट में आता है, तो आप लोग जो आपको मर्जी कलर आप लोग यूज कर सकते हैं। तो इसमें डालेंगे तो कलर ऑटोमेटिकली व्हाइट को बेस को चेंज करके वो कलर ले लेगा। तो ये हो गया आपका कलर। नंबर फोर वाटर, ठीक है। तो आपको वाटर लेना है, जो पानी है विशुद्ध पानी लेना है, तो वाटर से मसाला को मिक्सिंग करना है। ये फॉर्मूला है, इसको मिक्सिंग करना है। अभी ये चारों चीज आपको चाहिए, तो
ये आपका रॉ मेन मेटेरियल्स में व्हाइट प्रीमिक्स आपको लेना है, नंबर टू पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना है बर्निंग इश्यू के लिए, फॉर बर्निंग इश्यू। तो फॉर बर्निंग इश्यू के लिए पोटेशियम नाइट्रेट को इस्तेमाल करता करना है ताकि बत्ती जलते जलते ना बुझे, और कलर लेना है जो आपका मर्जी कलर आप लोग ले लीजिए, उसके साथ पानी ले लीजिए। तो ये हो गया आपका आपका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मैंने बता दिया, अभी इसका जो मतलब अनुपात जो कितना फॉर्मुलेशन मेन फॉर्मुलेशन, ये आपका रॉ मेटेरियल हो गया। तो रॉ मेटेरियल इसको मैं अभी हटा देता हूं, इसको क्लीन करके मैं आपको अभी फॉर्मूला लिखता हूं कि कौन सा मेटेरियल कितना कितना आप लोगों को लेना है। तो इससे आपका बत्ती का कलर आ जाएगा और बढ़िया लगेगा, बत्ती देखने में अच्छा लगेगा, इसका इंप्रेशन भी अच्छा होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूलेशन, तो फॉर्मूलेशन में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, नंबर वन प्रीमिक्स, एक प्रीमिक्स पाउडर व्हाइट प्रीमिक्स पाउडर एक केजी पाउडर में क्या डालना पड़ेगा दोस्तों, देख लीजिए अच्छी तरह से। एक केजी पाउडर में नंबर टू, उसके बाद था पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट 20 ग्राम, ये किधर डालना है मैं बाद में बता रहा हूं। पोटेशियम नाइट्रेट एक किलो पाउडर में 20 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट जाएगा, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा हो सकता है 5 ग्राम प्लस 5 मैक्स मैक्सिमम 25 ग्राम पर केजी मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा नहीं देना चाहिए क्योंकि तो बत्ती जल्दी जल जाएगा, ठीक है। तो ये जलेगा भी ठीक टाइम, बर्निंग टाइम भी ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, इससे ज्यादा डालेंगे तो बत्ती जल्दी खत्म हो जाएगा, जल के पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका पोटेशियम चलेगा। नंबर थ्री कलर, मैंने कलर बताया था, कलर को आपको ऐड करना है 20 ग्राम पर केजी, मतलब 1 केजी मसाला में 20 ग्राम आपको कलर को यूज करना है, जो भी कलर आप लोग चाहते हैं, रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, और भी मार्केट में बहुत तरह का कलर आता है, तो उसी में से आपको 20 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आपको कलर डालना है। अभी वाटर, जो पानी मैंने आपने लिया था विशुद्ध पानी वाटर, तो वाटर को आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर को आपको ऐड करना पड़ेगा 600 ml/kg मसाला में। तो 1 किलो मसाला में 600 से ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, ज्यादा पानी डालेंगे तो मसाला गड़बड़ा जाएगा। तो इसमें 1 किलो के हिसाब से 600 ml मतलब 600 ml को आपको पानी ऐड करना है। अभी क्या करना पड़ेगा, ये जो पोटेशियम नाइट्रेट हमने लिया था, ये जो पोटेशियम नाइट्रेट हमने लिया था, इसको पानी में मिक्स करना है, मतलब 600 ml पानी में प्लस 25 ग्राम पोटेशियम। तो ये पोटेशियम को 600 ml पानी के साथ उसको आपको आपको मिलाना है, ठीक है। अभी उस पानी को लेकर पाउडर में डालना है, और उससे पहले ये प्रीमिक्स पाउडर के साथ ये कलर को मिक्स करना है। तो ये जाएगा पानी के साथ और ये जाएगा पाउडर के साथ, कलर जाएगा इसमें पाउडर में, तो कलर प्लस पाउडर, पहले कलर और पाउडर को लेके आपको मिला लेना है, उसके बाद
ये पोटेशियम वाला पानी से इसको मिक्स करना है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कलर में, कलर को पानी में नहीं डालना है, कलर को पानी में डालेंगे तो गड़बड़ आ जाएगा। तो इधर आपको डालना होगा पाउडर में कलर। तो पाउडर में कलर जब डालेंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा कि कलर किधर मतलब गायब हो जाएगा, मतलब आपको घबराना नहीं कि कलर किधर चला गया, ऐसा नहीं। तो कलर भी उसमें अंदर चला गया है, जब पानी पड़ेगा उसमें पानी डालेंगे जब, तब उसमें दिखा जाएगा कि कलर आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। कि ग्रीन कलर डाला है तो ग्रीन आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। और भी बढ़िया होगा जब हॉपर में जाएगा और जो चक्की घूरेगा घूमेगा उसमें आपको दिखा पड़ेगा कि उधर दिखेंगे कि आपका कलर आ रहा है। तो ये हो गया, कलर का इश्यू नहीं है, ये कलर और पाउडर मिक्स हो जाएगा। उसके बाद ये पोटेशियम वाला पानी से आपको मसाला को मिक्स करना है बस। अभी ये पोटेशियम वाला पानी को उसमें मिक्स कर लीजिएगा। अभी मैंने ये 1 kg फॉर 1 kg प्रीमिक्स, ये 1 kg प्रीमिक्स का मैंने फॉर्मूला बताया। अभी आप लोग पकड़ लीजिए कि 10 किलो मसाला प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो 10 किलो में क्या करेंगे, सब इंटू टेन हो जाएगा। मतलब मसाला 1 किलो के जगह 10 हो जाएगा। ये पोटेशियम 25 लिया था, मतलब 250 ग्राम हो जाएगा इंटू टेन, तब 250 ग्राम हो जाएगा। कलर भी 200 ग्राम हो जाएगा और पानी भी 6 लीटर हो जाएगा, 6 लीटर, क्योंकि इंटू 10 करने से 6 लीटर आता है, इंटू 10 करने से 200 आता है, इंटू 10 करने से 250 आता है और ये 10 kg आ जाता है। तो इसको इस तरह से कुछ इस तरह से आप लोगों को हॉपर में मिक्स करना है। इसको मिक्स करके आप लोग पहले देखेंगे कलर नहीं आ रहा है, उसके बाद जब आप लोग हॉपर में डालेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे उसको कलर आने लगेगा। तो और कुछ नहीं है दोस्तों, और आप लोगों को देखना पड़ेगा कि जो प्रीमिक्स पाउडर है उसका क्वालिटी ठीक ठाक रहे। मतलब कभी कभी गम कम आ जाता है, इसलिए प्रॉब्लम होता है कि मसाला निकल जाता है बत्ती से। तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा कि जो प्रीमिक्स पाउडर उसका गम का क्वालिटी ठीक ठाक रहे। पहले आप लोगों को बड़ा बैच बनाने से पहले छोटा सा 1 किलो मसाला लेके, जैसे जैसे मैंने बताया 1 किलो मसाला लेके पहले उसको ट्रायल के हिसाब से मशीन में हॉपर में डाल के उसको प्रोडक्शन करके देख लेना है कि बत्ती में मसाला सही तरह से चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा है। अगर नहीं चिपक रहा है मतलब उसमें गम का परसेंटेज कम है, मतलब गम उसके गम का इफेक्ट खराब हो गया है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को गम को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद ही टोटल प्रोसेस जैसे जैसे मैंने बताया। और कुछ नहीं है दोस्तों, यही है मेन थ्योरी, यही है मेन फॉर्मूला। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, टोटल मसाला को मिक्सर मशीन या हाथों से जो भी आप लोग मिक्स करें नेक्स्ट उसको हॉपर में डालिए, ठीक है। जो मशीन अगरबत्ती मशीन का जो हॉपर है, हॉपर में उसको डाल दीजिए, देन आप लोग धीरे धीरे देखेंगे कलर भी आ गया, कलर भी आ गया, और उसके बाद आप लोग प्रोडक्शन को चालू कर लीजिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से व्हाइट प्रीमिक्स का बत्ती यानी कि कलर बत्ती रेडी किया जाता है। तो दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम होगा तो गाइड और भी वीडियो है उधर से भी ले सकते हैं। और कुछ नहीं है, मैंने जितना हो सका मैंने मेरा जो जानकारी था और कुछ नहीं है, क्योंकि एक टाइम था जब मैं भी ये प्रोडक्शन किया था, तो और कुछ नहीं है, मेरा भी मशीनरी था, तो अब मेरा काम कुछ अलग है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग करिए, जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग फोन करिएगा, गाइड करेंगे। और भी जानकारी है लेना चाहते हैं तो और भी वीडियो डाला हुआ है प्रगति मैन्युफैक्चरर इंडिया की तरफ से, वीडियो और भी डाला हुआ है उधर, आप लोग और भी जानकारी या गाइड आप लोग उधर से ले सकते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मुझे कॉल करिएगा, मैं इधर से जितना हो सका मैं गाइड आप लोगों को करूंगा, जितना जानकारी मैंने दे सकता था मैंने दिया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, वीडियो देखेंगे और भी वीडियो बनाएंगे और नया वीडियो बहुत जल्द आएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि।